बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा और जिसके अंदर इमरान खान यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी, जो बज़ाहिर उस पर तहरीक सॉरी पेश नहीं की जाएगी बल्कि उसके ऊपर बहस होगी। तहरीक तो पेश हो चुकी है, उसके ऊपर बहस होगी और आज का दिन भी है, तीन दिन बहस के दिन होते हैं और आज कल और परसों शायद बहस हो, फिर मंडे को इसके ऊपर इलेक्शन हो जाएगा। बज़ाहिर जो है ये इनकी जो तहरीक है वो कामयाब नज़र आती है, उन्होंने तकरीबन 199 के करीब जो से हैं वो मेंबर जो से हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं, जिसके अंदर 22 के करीब जो से पीटीआई के मेंबरान भी शामिल हैं जिनको इन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है। वो वोट डाल सकेंगे कि नहीं डाल सकेंगे उनकी वैसे ज़रूरत कोई नहीं है, उन्होंने अपना जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है, क्योंकि एमकेएम को भी वो अपने साथ मिला चुके हैं और बाकी भी जमातें जितनी भी हैं बलूचिस्तान की जमातें हैं उनको भी अपने साथ मिला लिया है। इसके अलावा तीन चार जमातें और भी हैं जो इनके साथ मिल गई हैं। तो इस तरह से ये एक 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 आइनी बहरान भी शायद पैदा हो जाए, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। ये एक बड़ी एक ख़तरनाक बात है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, ना मुझसे किसी ने इस्तीफ़ा मांगा है और ना मैं दे रहा हूँ। बज़ाहिर हालात जो उनसे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें नज़र ये आता है कि संडे के दिन यानी कि इतवार के दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाएगा जिससे शायद ये अदम एतमाद की जो तहरीक है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और शायद कोई बातचीत के ऊपर मामला जो है वो ख़त्म होगा। अगर मैंने एक मुझे क्लिप मिला जो सोशल मीडिया पे था, मैं ख़ुद भी सोच रहा था कि ये जो इतने सारे बड़े बड़े लीडर जो से हैं मुख्तलिफ जगह, किसी की 4 सीटें, किसी की 5 सीटें, किसी की 1 सीट, किसी की 2 सीट, तमाम जो से हैं वो इस वक्त वो लीडर बने हुए हैं और क्योंकि जो मालूमात मिली हैं उससे पता लगता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर जो से हैं वो इनमें तकसीम किए गए हैं और लोगों को ख़रीदा गया है ताकि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक वोट ख़रीद सकें और वोट ख़रीद भी लिए हैं। बज़ाहिर जिस किस्म के राजा रियाज हैं ये दूसरे लोग ख़रीदे हैं वो कहते हैं जी उनके ज़मीर जाग गए। मैं समझता हूँ कि राजा रियाज कुछ 60-65 साल का हो गया है, जितना मैं उसको जानता हूँ कभी ज़िंदगी में उसका ज़मीर नहीं जागा, ना जवानी में जागा ना बुढ़ापे में जागा, अब अचानक क्यों ज़मीर जाग गया? ये एक बड़ी अजीब बात है कि इनके ज़मीर जाग गए, उनके ज़मीर जाग गए जिनको तर्स खा के पीटीआई ने सीटें दी थी ख्वातीन को, ख्वातीन की सीटों पे लेके आए थे, उनके भी ज़मीर जाग गए, वो जाके नून लीग के पास जाए या पीडीएम के जगह घुस गई। तो बहरहाल ये हालात हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक क्लिप दिखाता हूँ, मैं तो वो जानवरों का है लेकिन मुझे लगता ये है कि जूँ ही इनको इकतदार मिलेगा और ये जो उनसे हैं इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ये करना है, ये आप देखें ज़रा, ये जुलसे हैं, ये एक को ये तीन बड़े बड़े पार्टी हैं, एक पीपल्स पार्टी है, एक शहबाज शरीफ साहब है और एक मौलाना है। ये इसमें इनको ये नहीं पता होगा मारना किसको है, ये एक दूसरे को मारेंगे तीनों। आप देखें कि इन्होंने तीनों ने एक दूसरे को मारा है और कोई ये नहीं कि दो इकट्ठे होकर एक को मार रहे हो, जिसकी जिसका दाव लगता है वो उसको मारता है। तो यही सूरत हाल जो उनकी है, इनकी ये जो अदम तहरीक पास हो जाएगी उसके बाद इनके साथ यही कुछ होना है कि इन्होंने एक दूसरे को मारना, ये नहीं देखना अगर कौन लग किसको रही है, ये जिसने इसको मार दिया वो उसको भी मारेगा। तो ये इनकी हालत ऐसी ही होनी है और इनमें ना तो कोई इतफाक है ना कोई इनकी ज़हनी मुताबकत है कि ये क्या करें, लेकिन इन्होंने लड़ना है और एक दूसरे से खींचातानी करनी है। दोबारा ये एक 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 वीडियो थी जो सोशल मीडिया पे मौजूद थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा इसको लगाता हूँ और इससे शायद तुम्हारे नाज़रीन कुछ खुश भी होंगे और देखेंगे कि होना यही है आखिर में, क्योंकि इन्होंने ना तो किसी का लिहाज करना है ना इनको अदबो अदाब होना है। अभी तो बड़े इकट्ठे हुए हैं ना, गले में हाथ डले हुए हैं, एमकेएम को भी बार बार प्यार कर रहे हैं, छोटा बच्चा गोद में ले लिया होता है। अभी जूँ ही इनका इस अदम एतमाद की तहरीक मुकम्मल होती है
मैं कौन और तू कौन, इसके बाद ये होना है, सब एक सेल्फिश हैं। अभी तो चौधरी बरादरान जो से बच गए हैं, चौधरी बरादरान अभी भी बचे नहीं है, चौधरी बरादरान के ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई है कि पीटीआई ने कहा है कि आप पहले अदम एतमाद की तहरीक को ख़त्म करवाएं, हमारे हक में करवाएं, तब हम आपको चीफ मिनिस्ट्री देंगे। ऐसा नहीं देंगे कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं और हम यहाँ पे नाचते रहें, अपोजिशन में बैठे या घर चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो इस वक्त चौधरी परवेज इलाही जो उनसे सर धड़ की बाजी लगाई हुई है, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो कुछ लोगों को वो तोड़ लें। डेफिनेटली पैसा दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहा है, काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि रियासत मदीना है, रियासत मदीना में डेफिनेटली हलाल पैसे ही होते हैं इनके पास, ये जो भी इन्होंने पैसे कमाए, क्योंकि इमरान खान के पास शायद ना हो लेकिन उसके पास जो दूसरे सरमायादार लगे हुए हैं उनके पास बहुत पैसा है, और उन्होंने कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई लालच दे के उन लोगों को खरीद ही लेना है। क्योंकि अभी भी मुझे शक है कि कुछ ऐसे ही ऐसा कुछ होना है कि 25-30 लोग जो उनसे हैं ना अचानक बीमार हो जाएंगे, नहीं पहुंच सकेंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ऐसा कुछ होना है। नहीं तो जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा कि फौज जो उनसे है उसको दखल देना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो मामला है वो रियासत का मामला है, रियासत का मामला जो है वो बड़ा पेचीदा है। अगर तो अमेरिका ने धमकी इनको दी है और रियासत को धमकी दी है, उसमें कोई ऐसी गलती नहीं है कि मैं कहूं कि इमरान खान साहब ने जो रशिया गए या चाइना गए, ये उनका एक कौमी फरीजा है कि उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाना है और जहाँ से उनको कुछ चीज़ें सस्ती मिलती हैं, एक ताल्लुकात बनाना है, जैसे गैस खरीदनी है, उन्होंने उनसे कोई दिफाई माहिदा नहीं किया। इंडिया ने तो दिफाई माहिदा किया हुआ है, इंडिया का 90% जो जो एम्युनेशन है वो रूस से आता है, पाकिस्तान ने कोई एम्युनेशन नहीं खरीदा, वो तो गंदम खरीद रहे और गैस खरीदने के चक्कर में है कि हम अपने मुल्क के हालात को ठीक करें। ना तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमने किसी की जंग लड़नी है, जो पहले जंगें लड़ चुके हैं, हमने उसका बहुत नुकसान उठाया, 80-90 हज़ार लोग अपने मरवा लिए, तो हमें उसका क्या बेनिफिट मिला, फिर हम दहशतगर्द के दहशतगर्द। तो ये अब ये सूरत हाल जो सी है थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और खान साहब को इसी जुर्म के सजा मिल रही है, और जो शायद सजा किसी और वजह की भी हो, लेकिन ज्यादा जो बाजायर नजर आता है वो सजा उनको यही है कि इनको इनके ऊपर ये मेरा मतलब ये कहने का कि ये अमेरिका को या यूरोप को पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि वो इनकी वो उस तरह से बात नहीं मान रहे जिस तरह से इससे पहले हुक्मरान जो से हैं जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब मानते रहे हैं हर चीज़ के अंदर। इन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, इसका मतलब है एब्सोल्युटली नॉट, कभी नहीं हो सकता, हमने नहीं करना। तो वो या तो हो ना कि ये कुछ जंग कर रहे हो, ये दहशतगर्दी कर रहे हो, वो कहते हैं हमने नहीं लड़ना आपके लिए, आपने हमारी मदद करनी करें, हमसे कारोबार करना करें, लेकिन हमने लड़ना नहीं है आपसे। तो ये बेहतर है कि एक तरफ रहें, थोड़ी सख्ती होगी लेकिन उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे, और बहुत सारे मुल्क जो से हैं वो अमेरिका की खातिर जंग नहीं लड़ते, तो वो के मर नहीं जाते, तो वो इनको इनको चाहिए कि थोड़ा सा इसको इसको रहे। लेकिन हमारे क्योंकि बिकाऊ लोग होते हैं हमारे मुल्क में, और वो जैसे हमारी अपोजिशन है, जिस तरीके से पैसा इनको मिला है, तकसीम हुआ है, और बेतहाशा से चौधरी साहब ने कहा है, चौधरी क्या नाम है, परवेज इलाही ने कहा जी इनको दो और इनको खरीदो ताकि ये जो है ना मामला, इसका मतलब है कि पैसा खूब चल रहा है, चौधरी साहब कोई बड़ी ऑफर रही होगी, पैसा दोनों के पास होता है लेकिन डेफिनेटली उनके पास पैसा बाहर से आया हुआ है जो वो तकसीम कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा तकसीम करेंगे कि लोगों के अंदर लालच आ ही जाती है। तो इतना देरी ये सूरत हाल है, देखिए क्या होता है। मैं तो कहता हूँ कि फौज दखल दे और इनका मामला पैचअप करवा दे, क्योंकि कोई ना कोई तीसरा आदमी आएगा तो पैचअप हो सकता है, नहीं तो ये पैचअप नहीं होगा, और एक गंदगी मिटेगी। इमरान खान साहब ने इस्तीफा नहीं देना, स्पीकर ने बहुत सारे वोटों को रिजेक्ट कर देना है, और जिसकी वजह से जो उसने एक बदमजगी पैदा होगी, वो बदमजगी हो सकता है कि लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाए। तो ये सूरत आला बार लड़ाई झगड़े में पहुंचनी नहीं चाहिए, उनके आदात पूरे हैं तो आराम से आए और चले जाए, ना लेके आए पीटीआई के जो मनरफ लोगों को, तो शायद वो मामला ठीक हो जाए। लेकिन हुकूमत जो से मौजूदा है वो रिजाइन देने के लिए तैयार नहीं है किसी सूरत में भी, और स्पीकर हो सकता है कि डेट मोर लंबी कर दे, ये भी मुमकिन है। तो नाजरीन अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़ से इस दुआ के साथ कि
अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे और पाकिस्तान में जो बदअमनी फैल रही है उससे लोगों, क्योंकि लोग ज़्यादा नुकसान किसको होता है, गरीब लोगों को, जो लोग मजदूरियाँ करते हैं, हड़तालें हो जाएंगी, झगड़े होंगे, आगे लगेंगी, नुकसान उसका होगा। जो अमीर लोग हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने पहले ही अपने घरों में माल जैसे खाने पीने की चीज़ें और चीज़ें इकट्ठी की होती हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है, बाकी किसी के लिए होती है। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।